कर्नाटक के कुमारस्वामी सरकार पर संकट बढ़ गया है। दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कुमारस्वामी सरकार लगातार बीजेपी पर विधायकों को पैसों का लालच देकर खरीदने का आरोप लगा रही है, लेकिन इस बीच एक अहम खबर यहां पर यह कि दो निर्दलीय विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार के लिए संकट बढ़ गया है। दो निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, अपने समर्थन वापसी की चिट्ठी को राज्यपाल को भेज दिया है। बीजेपी कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, ऐसी हमें खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोशिश है कि जल्द ही इन 13 विधायकों के साथ इस्तीफे दिलवाकर अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाए। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में अपने सभी विधायकों को गुरुग्राम के एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। एच नागेश MLA फ्रॉम मुलबागल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम कर्नाटक। आई ऑर्डर्स अ लेटर टू द इज एक्सलेंसी द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर इज लाइक दिस। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यूर काइंड अटेंशन दैट आई एम विथड्रॉइंग माई सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एडेड बाई कांग्रेस एंड JDS पार्टीज विथ इमीडिएट इफेक्ट रिक्वेस्टिंग यू टू टेक नेसेसरी एक्शन। आई हैव written a letter to the Honorable Governor of Karnataka and it is like this. I would like to bring to your kind attention that I am withdrawing my support. तो इस वक्त की अहम खबर, कुमारस्वामी सरकार से दो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हुए खरीद फरोख्त के जरिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार कुमारस्वामी सरकार का संकट बढ़ रहा है क्योंकि दो निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को अपना समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भेज दी है। और इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने भी एक अहम बयान दिया है।